वो क्या है ना मिर्जा साहब कि मैं गुड लक को नहीं मानता, लेकिन मानना चाहता हूं, इसलिए हमेशा उसी घोड़े पर लगाता हूं जिसके बारे में सब कहते हो हार जाएगा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपका घोड़ा जीत गया? कभी नहीं हुआ। चलिए तैयारी करते हैं। चले लो पानी पी लो। पानी नहीं पीऊंगा, अब जहर पी के दिखाऊंगा उसे। पागल हो गए हो? उसे कह दिया है, बात कर ली है, तो बात को असर करने दो। पानी पियो। कहा ना नहीं पीऊंगा, अब जहर पीऊंगा तो चैन आएगा उसे। अब पता उसने खुद कहा कि जहर पियो मर जाओ मेरी बला से। वो सामने उसकी अम्मी खड़ी थी, उनकी कसम खाएगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक बात बताऊं तुम्हें, लड़की जब कहती है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो समझो वो किसी और से प्यार करती है। कोई किसी की मोहब्बत में मर जाए सुन के बुरा नहीं लगता, लेकिन ये सुन के बहुत बुरा लगेगा कि तुम उस लड़की के लिए मर रहे हो जो किसी और से प्यार करती है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात होती तो बताती ना। मीसनी टाइप की लड़की है, अपनी बातें छुपा कर रखती है। अच्छा बताओ कितने सालों से दोस्त है तुम्हारी? 2 साल। तो याद करो, कभी उसने बताया कि फरजाना उसकी सगी माँ नहीं है? फरजाना? जिनको वो अम्मी कहती है उनका नाम फरजाना है और वो उसकी सगी माँ नहीं है। ये तो अच्छी बात है दानिया, ऐसी बातें बताने की नहीं होती है। तो फिर वैसी बातें भी बताने की नहीं होती? वैसी कैसी? लड़कियां किसी से प्यार करती हूँ उसका ढिंडोरा नहीं पीटती। तुम चाहती हो मैं जहर पिए बिना ही मर जाऊं? मैं चाहती हूं तुम जिंदा रहो। मोहब्बत के नाम पे भटकने की बजाय उस लड़की को ढूंढो जो सचमुच तुमसे प्यार करती है। मरते उसके लिए अमार अहमद जो आपके लिए मरता हो, वरना जहर खा के तो चूहे भी मर जाते हैं। चूहा मत बोलो मुझे। सदफ के लिए मरोगे तो समझो चूहे की मौत मरोगे तुम। तो फिर ठीक है, पूछता हूं उससे, अगर वो किसी और से प्यार करती हुई तो कभी नहीं मरूंगा उसके लिए।
ये देखें, जरा बुखार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर डॉक्टर ने क्यों कहा कि रिपोर्ट्स आने तक ये स्कूल ना जाए? एहतियातन कह दिया होगा अम्मी। डॉक्टर्स का क्या है, 5 दिन की दवाई के साथ 6 दिन का रेस्ट लिख देते हैं। अच्छा फिर तुम इसे मना कर दो कि ये आज क्रिकेट खेलने ना जाए। नहीं जाएगा। अरे जब बुखार नहीं है तो क्यों नहीं जाऊंगा? देखो तुम डॉक्टर से ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो। एक दिन हमारा नहीं तो डॉक्टर की इज्जत का ख्याल कर लो। वो डॉक्टर ना मुझे शक्ल से ही बुरा लग रहा था। अच्छा चलो उठो या फिर बाइट ले लो अपनी कॉर्नफ्लेक्स की, उठो खत्म करो। नहीं अम्मी उठा नहीं जा रहा। नहीं अम्मी पेट भर गया होगा इसका। तो क्यों नहीं जा रहा इसे? आप अपने पापा की कब्र पे गए थे? या कल गया था। एक मिनट रुकिए। मेरे अब्बा सख्त मिजाज के आदमी थे। फिल्म देखने पर या सिगरेट पीने पर बहुत गुस्सा करते थे। पहली दफा सिगरेट पी तो उन्हें पता लग गया, मार मार के मेरा भुरकस निकाल दिया। ये मेरे माथे पे आप चोट का निशान देख रहे हैं, यहां उनके जूते की एड़ी लगी थी। सरप्राइजिंग, लेकिन अचानक ये सब क्यों याद आ गया आपको? आप अपने पापा की कब्र पे गए थे ना, तो याद आ गया। मैं आज भी अपने अब्बा की कब्र पे जाऊं तो वैसे ही डरता हूं जैसा उनके सामने डर जाया करता था। लगता है फिर पूछेंगे कि सिगरेट तो नहीं पीते? लेकिन आप तो सिगरेट नहीं पीते मिर्जा साहब। लेकिन अभी भी डर जाता। आपको डर नहीं लगता? आप तो सिर्फ उस दिन नहीं पीते जिस दिन कब्र पे जाते हैं।